दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज को इस वीडियो में मैं आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग जानकर शॉकिंग हो जाएंगे, वो भी इंडियन CDC के बारे में। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि इंडियन CDC अप्लाई करने में 2 से 3 महीने लग जाता है, कम से कम 100 दिन लगता ही लगता है अप्रूवल होने में। लेकिन मैं आज आपको ऐसा चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा जो CDC है उसको अप्रूवल होने में मात्र 3 दिन लगा है, only 3 days। आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आज आपकी 20 तारीख है और मैंने अपना CDC अप्लाई किया था 16 तारीख को और मेरा CDC अप्रूवल हो गया था 19 तारीख को ही। 18 को हुआ था कि 19 को मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैंने 19 तारीख को चेक किया था तो मेरा CDC अप्रूवल हो गया था। तो चलिए, मैं आपको अपने एक मोबाइल के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ डायरेक्ट और वहीं से मैं आपको दिखाता हूँ लाइव की। देखिए मेरा CDC कैसे अप्रूवल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि कम से कम CDC आने में 3 महीना लगता ही लगता है। 3 महीने के पहले किसी का CDC आ ही नहीं सकता, लेकिन मेरा CDC 3 दिन में आ गया। तो ये कैसे हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग हमेशा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, मैं अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा CDC कैसे अप्रूवल हुआ है। पहले आप देख लीजिए आज कितना तारीख है, आपको दिखाई दे रहा है 20 तारीख। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आज 20 तारीख है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आज 20 तारीख है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि आपको दिखाई दे रहा है कि 20 तारीख है। तो फटाफट अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 20 तारीख लिखा हुआ है। फटाफट मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ मोबाइल के और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मोज़िला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको जो भी DigiShipping के वेबसाइट पर जाना है वो आपको इशू ब्राउज़र या मोज़िला में ही खोलना है, क्योंकि मोज़िला और इशू ब्राउज़र खोलिएगा तो बहुत ही परफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने अपना DigiShipping का वेबसाइट खोल दिया है, जिसका वेबसाइट है www.digishipping.gov.in। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही इसका वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इसको आराम से बढ़िया से अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। तो थोड़ा नेट स्लो काम कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो अभी नहीं ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो चलिए मैं ठीक से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए DigiShipping की वेबसाइट आ गई, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो आप जान सकते हैं, अपना खुद करते हैं। यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ और वहाँ से जाकर हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का CDC अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग ये अपना काम कर लेते हैं DigiShipping के वेबसाइट पर जाकर। तो कुछ देर काट गया है। तो जैसा कि हम लोग फिर से अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर चलिए हम लोग फटाफट आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए। तो सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो आप लोग भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लीजिए और वहाँ से डालने के बाद आप आसानी से अपना देख सकते हैं। देखिए मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फटाफट फिलअप कर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फटाफट अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिलअप कर लिया और अपना लॉगिन हो जाइए। तो DigiShipping के वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन हो सकते हैं और वहाँ से देखिए मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। तो चलिए, ये मेरा खुल चुका है और चलिए मैंने जो भी अपलोड किया था, यहाँ पर जो आपको सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है CDC मैनेजमेंट एंड CO किक चेकर, इसी पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अदर्स पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जनरली और फिर उसके नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको फटाफट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैंने 16 तारीख को अप्लाई किया था, ठीक है, 16 तारीख को अप्लाई किया था और मेरा एप्लीकेशन अप्रूवल्ड हो गया। आज कितना तारीख है दोस्तों, तो आज देखिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज आपको दिखाई दे रहा है कि आज 20 तारीख है, यानी कल ही मेरा अप्रूवल हुआ था, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो देखिए 3 दिन के अंदर मेरा सब चीज़ आ गया है और मैं आपको यहाँ पर CDC चेकर पर भी लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जितना भी है वो सब शो कर रहा है। तो चलिए मैं बैक आता हूँ और बैक आकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो प्रोफाइल यहाँ पर है, अपडेट सीपेर प्रोफाइल, वहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
और क्लिक करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब मेरा बायोडाटा खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको जनरली मास्टर चेकर दिखाई दे रहा होगा। मास्टर चेकर पर जनरली हम लोग को आ चलना है, और मास्टर चेकर पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर मास्टर चेकर पर जाकर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद देखिए, जितना जैसे ही मेरा अप्रूवल हुआ है तो CDC का पूरा डिटेल मुझको शो करने लगेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा वीडियो है। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है CDC, यहाँ पर कॉलम है मेरा पूरा, ये सब मेरा CDC वाला शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अपना CDC अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज के डेट में CDC अप्लाई करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आप लोग का CDC आ जाता है। तो यही एक सब वीडियो थी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे